नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा फिर एक बार अन्य शासकीय विभागों सहित सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में जुटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शहर के 6 बड़े मैदानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन का मैप तैयार किया गया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा बताया गया है कि वैक्सीनेशन से ही हम इस महामारी की जंग से जीत सकते हैं और इस कारण से पिछले दिनों युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था और इसी अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन के सेंटर संचालित किए जा रहे थे। इंदौर के शहरी क्षेत्र में 6 स्थानों पर मैदान तैयार करते हुए ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर ही वैक्सीनेशन का डोज लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन का भी पालन किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में महामारी से बचाव के लिए 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी और इसे स्लॉट तैयार कर वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। इलाज है तो एक प्रिकॉशंस हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रिकॉशंस होते हैं, मास्क ठीक से लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, डिस्टेंस थोड़ा बना के रखना। दूसरा अगर कोई इलाज है तो वैक्सीनेशन है। वो जो फरवरी मार्च में वैक्सीनेशन के कैंप्स लगाए गए थे, जो ड्राइव चली थी, उसमें लगभग 6 लाख लोगों ने डोज लगाई थी। कुछ लोगों ने उसमें सेकेंड डोज भी लगवा ली थी, 2-1 लाख लोगों ने। उनका जो अभी इस वेव में उनको बहुत प्रोटेक्शन मिला कोविड के संक्रमण से। अगर कोविड संक्रमण हुआ भी उनको, तो जो वैक्सीनेशन का जो एंटीबॉडीज रही उन्होंने बहुत बचाया है उनको। अस्पताल जाने की मैक्सिमम लोगों 99% ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है उसमें। इसलिए वैक्सीनेशन के लिए अब तैयारी की जा रही है। ग्रामीण में 18+ का सहमति प्राप्त हो गई है कि उनको ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो भी लोग आ रहे हैं। शहर में भी बड़े मैदानों में भी वैक्सीनेशन के कैंप्स लगाए जा रहे हैं, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सेशन साइट्स भी हम लोग बना रहे हैं और 45+ को करना जरूरी है। 45+ में अभी गैप है अभी, और जो बड़े मैदान में बना रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो लोकल सामाजिक संगठन हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां हैं वार्ड की या गांव की, उनके सहयोग से वहां 45+ के जो भी शेष बचे हैं सबको मोटिवेट करके लाया जाएगा वहां पर। क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र रहेगा, ज़्यादा वहां वैक्सीनेटर्स रहेंगे, तो उसमें जल्दी और ज़्यादा संख्या में होने की पूरी उम्मीद है। और जैसे ही 18+ शहर में फ्री होगा ऑन साइट का, उन्हीं बड़े ग्राउंड्स को यूज़ करके अधिक से अधिक संख्या को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।